इतनी मुश्किल से गाड़ी चढ़ रही है ऊपर। हाइट चेक करो भाई, ये कहाँ पे आए साकिब भाई? हम अब आपको रश के मंदिर Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। ब्रो आज है 31st of December, तो आज एक गोरख हिल स्टेशन पे सेलिब्रेशन। अभी जा रहे हैं हम सारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। मेरे साथ मुजम्मल जोखियो भी आ गया है, अभी कराची से भाई आया है डायरेक्ट, और ये वाले मेरे भाई जो हैं तैयार खड़े हुए हैं यहाँ पे। बस हम इसके बाद जो है, ये बस भी रेडी है, इसके बाद चलने की तैयारी है ना? हाँ हाँ चलेंगे, अभी देर हो गई है पहले ही। बहुत ही ज़्यादा। हाँ यार तुमने करवाई ना, चल तू उठा था। भाई जर्नी के लिए जो है हम सारे तैयार हैं। ये मेरे साथ मोहित पाशा, सारे ये मेरे यार जो हैं तैयार। देखो कहाँ जा रहे हो साकिब भाई? गोरख स्टेशन जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ब्रो। भाई साहब अभी जो है वादुआ पे खड़े हुए हैं, किसी के वेट में खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो मुइज पाशा है उसे गुस्सा आ रहा है साकिब बराम पे, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दो दो ट्राउजर पहन के आया। आपको ट्राउजर चेक करवाता हूँ, ये देखो चेक करो आप। यहाँ पे अलफला पे रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए, सो आपको यहाँ के सीन चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मेरे यार जो है वो लड़ रहे हैं, ये नाश्ता कर लिया है, अभी बस तैयार ही है। यहाँ पे हमारी बस भी स्टार्ट है, बस अभी हम फिर से अपना सफर शुरू करेंगे। फाइनली आते भाई भी आ गए। आते भाई इधर देखें, आते भाई सलाम करें पहले। थैंक यू सर। ये अभी हमारा सफर शुरू हो गया है टुवर्ड्स गोरखा हिल स्टेशन। सर दरिया खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। दरिया खान भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? अभी हम सेवड़ पहुंच चुके हैं, अभी 15 मिनट का ब्रेक लिया है क्योंकि रेस्ट कर लें, जिसको वॉशरूम यूज करना है वॉशरूम यूज कर लें। ये भाई जो है वसीम जांडियो साहब, सही है हमारे भाई वालों के स्कूल का दोस्त है, सही है क्लासमेट है। तो ब्रेक के बाद हम अपना सफर जो है वो जारी वारी रखेंगे। भाई मोही जोड़ पे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि डिनर होगा गोरख पे, उसके अलावा जो भी करना है खुद को करना है। लंच नहीं होगा भाई अभी, इसलिए तो पकौड़े खा रहे हैं हम। भाई इर्तजा भी आ गया यहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं जोही से। समझ गए जोही से आगे क्या गोरख की, समझ गए मैं। नजर नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है। ये भाई इर्तजा में इस बंदे को इतनी गर्मी लग रही है, इसने शर्ट ही रिमूव कर दी। मुजम्मिल भाई चेहरा तो दिखा दो अपना। दिल की मैया काबू, दिल की मैया काबू, सुनो भी सुनो आ, सुनो भी सुनो आ, सुनो भी सुनो आ। हम पहुंचे हैं वाई बांदी, तो यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो जीपों पे तय होगा 4x4 का, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मतलब
आम गाड़ी नहीं चल पाती भाई। तो जीप में बैठ चुके हैं भाई, अभी जो है आगे का सफर जो है ना आपको साकिब बताएगा आगे का सफर कैसा गुजरेगा। साकिब भाई कहाँ गए? साकिब भाई बताओ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी बात कर रहे हो भाई? आप बताओ ना, ब्लॉग चल रहा है बताओ। हाँ तो चल तो रहा है। अच्छा तो भाई हम अभी भाई पानी पहुँचे, अभी जा रहे हैं ऊपर गोरख हिल स्टेशन। तो आगे के सीन्स जो है रोड और रास्ते आपको दिखाते हैं। रस्ते देखो ना, रस्ते देखो अबे, रस्ते चेक करो। भाई अभी सीन हो गया है हमारे साथ, गंदा वाला सीन हो गया है। क्या सीन हुआ है कि हमारी जो गाड़ी है उसका टायर जो है वो पंचर हो चुका है। सो अभी ड्राइवर जो है वो टायर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जब तक ये फोटोज वगैरह निकाल रहे हैं दोस्त। ये हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, सीन चेक करो आप। तब भी नहीं कर रहा हमारी, ये आप चेक करो। कोई मतलब हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है ना। पर ये यार बंदा रुका ही, अच्छा बंदा यार, आ गया आ गया आ गया, ये बंदा अच्छा है यार। ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, रुका है। अच्छा भाई वालों ने अपनी लैंग्वेज में बोला है कि टायर पंचर हो गया है। गाइस हम ऊंची चट्टानों में फंस गए, हमें खाने को कुछ नहीं तो हम यहाँ ऐसे फंस गए। ऐसे कैसे फंस गए? ऐसे हाँ, ये आप फंसना चेक कर सकते हो हमारा यहाँ पे भाई। यहाँ पे दूर दूर तक कोसों मील तक कोई नजर नहीं आ रहा, और ऊंची चट्टाने हैं, काली काली चट्टाने हैं, इधर जंगली जानवर भी घूमते हैं जैसा के। तो हमें खाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हमारी आवाज कोई भी सुन सकता है तो मेहरबानी करके हमारे पास जल्दी आए, हम यहाँ पे फंस चुके हैं प्लीज। शुक्र है हमारी गाड़ी का जो है वो टायर बन गया है। अभी हम फिर से अपना जो सफर है गोरख की तरफ वो जारी रखेंगे। रस्ते आप चेक कर रहे हो कितने मतलब खतरनाक यहाँ पे रस्ते, ठीक है भाई। मेन रस्ते जो है वो अभी शुरू हुए, तो आप सीन्स चेक करो गोरख के रस्ते। इतनी मुश्किल से गाड़ी चढ़ रही है ऊपर, मतलब गाड़ी गर्म हो गई है बिल्कुल ही। सो अभी फिर से यहाँ पे गाड़ी को भी हमने थोड़ा रेस्ट दिया है और ख़ुद हम भी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको गाड़ी के सीन्स भी दिखाता हूँ मैं, और यहाँ के सीन्स भी दिखाता हूँ कि यहाँ के सीन्स आखिर हो क्या रहे हैं यहाँ पे। जो है हमारी मदद के लिए आए थे, सो उन्होंने अभी गाड़ी को सेट किया है। अभी फिर से हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम गोरख पे पहुँच गए हैं। सो आगे के जो भी सीन्स होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आज रात जो है यहाँ पर हमारा कैंपिंग का मूड है। सो साकिब भाई जो है ना लाइफ में फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहे हैं। साकिब भाई नहीं नहीं एक बार पहले भी किए कुलवलीर में। अभी पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है हमने लंच या डिनर वगैरह नहीं किया, तो अभी मतलब रिफ्रेशमेंट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो खाना हमने खा लिया है, पर आपने देखा होगा मैंने शॉल वॉल पहन ली है वो इसलिए क्योंकि यार बहुत ही ठंड हो रही है यहाँ पे। कल रात मैनू कुड़ी मुड़ी जिंदे गल दे विच सी टोए मोए मोए। यार इतनी सर्दी है यहाँ पे भाई, इतनी सर्दी है यकीन करो बहुत ही ज्यादा सर्दी है भाई। गोरख पे पहुंचे हुए ना हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, मेरे सारे दोस्त हो गए, सिर्फ मेरे साथ जो है वसीम भाई बैठे हुए हैं। ये चेक करो आप वसीम भाई, भाई सर्दी कैसी है ये बताओ, यहाँ पे सर्दी बहुत है ना। अच्छा एंजॉय कर रहे हो आप? एंजॉय करेंगे अभी। ये आप माहौल देखो, फाइनली गोरख पे जिसके लिए आए थे हम इवेंट के लिए और मच कचहरी के लिए, सो स्टार्ट होने वाला है। आपको यहाँ के सीन्स चेक करवाता हूँ। हमारा मुइज पाशा जो है अभी वो प्रभाश होके बैठा हुआ है। मुइज भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डीजे फैजी भी आ गया, अब उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ये सीन चेक करो आप, सीन चेक। All the people with the beat on. Oh,
शान भाई जिन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज किया है और हमें इतना मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस करने का मौका दिया है। थैंक यू शान भाई, हमें बहुत ही मजा आ रहा है। ये हमारे सनी भाई, ये हमारे बॉस 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 सर, ये हमारे भाई हैं। इन भाइयों ने थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ डीजे फैजी, अभी जो ऐसे इत्मीनान था वो आ रहे हैं, वो परफॉर्म करेंगे। अब उनकी आपको हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और सलाल भाई जो है वो गिटार पर अभी आ गए हैं सैयद मीनाज शाह परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं आपको साईं की परफॉर्मेंस के सीन्स चेक करवाता हूँ। सबिन सर, ये रिक्वेस्ट है तो पीजी मोबाइल जो फ्लैश लाइट सब ऑन करो, तो जैसा जो सेशन थोड़ा डिफरेंट है, मैं कोशिश कर दस के जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मैं कह रहा हूं बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक साथ आज की जो मेन मतलब यहाँ पे जो है मेन जो है ना, कौन आ रहे हैं सिंगर्स? इत्तेहाद बैंड वाले, जैनुल आबिदीन वाले, वो रेडी हो चुके हैं, बस आ रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो जैसे ही आते हैं मैं आपको उनके सीन्स दिखाता हूँ और पब्लिक का मतलब रिएक्शन चेक करना यार उनके आने पे। मेन बात ये कि जैसे नया साल आता है वैसे ही हमारे सात भाई की बर्थडे भी आती है, बस कुछ लम्हात बचे ये दोनों। केक भी बंदा लेके आता है शहर में। अच्छा अब मैं बताऊँ, मैं बोलूँ दिखा 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 भाई। तो इत्तेहाद की जो है वो थोड़ी पोस्टपोन हो गई है क्योंकि सारे जो भी थे उनको भूख लगी थी। तो अभी खाना यार बनता है, अभी खाना खाएंगे उसके बाद जो है ना हम इत्तेहाद की परफॉर्मेंस के सीन्स आपको चेक करवाएंगे। ये डिनर करने आए अभी हम ये साकिब भाई को बड़ी भूख लगी थी अभी, यार ऐसी भूख लगी है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ से बात कर रहे हो? हेलो कहाँ से बात कर रहे हो? मैं भारत माता से। भाई ये जो है आफ्टर डिनर जो है अभी हम यहाँ पे तफरी करते हुए बैठे हुए हैं, कचहरी कर रहे हैं। ये हमारा साकिब भाई देखो, इसे बहुत ही सर्दी लग रही है यहाँ पे। चांडिया साहब, ओ चांडिया साहब, सर किया है वो कितने आयो जना घना होया सारा गये हुए थे भला ये साथ ही सालगिरह तो लेट छो विश कही उनके
आफ्टर मतलब कचहरी वगैरह सब कुछ करने के बाद अभी मच कचहरी पे बैठे हैं। ये गाना गाने वाले भाई हमारे सामने बैठे हैं। ये इत्तेहाद बैंड की जो है ना वो तैयारी पूरी हो गई है। यहाँ पे काउन मास्टर्स भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे आ गए हैं। बस गिटारिस्ट भी तैयार, सब रेडी है। मतलब इतनी ठंडी रात हो और वहाँ पे आपको मतलब ये मंजर मिले हैं, सामने लाइव परफॉर्मेंस चल रही हो और आप यहाँ पे बैठे हो अपने पूरी संगत के साथ। इत्तेहाद बैंड अभी रेडी हो रही है परफॉर्मेंस के लिए। भाई इत्तेहाद बैंड के जो मेन सिंगर हैं ज़ैनुल आबिदीन वो भी आ गए हैं यहाँ पे। शुरू हो गई है आपको। रश के मंजर दिखाता हूँ, रश बढ़ती जा रही है भाई।
भाई आज फिर जो है ना जैन भाई हमें मिले। बाय द वे ये आप मेरे सीनियर भी हैं, आसाम वालों की भेजते थे ना आप, मैं आपका जूनियर हूँ। अरे क्या बात, आप हमारे सीनियर भी हैं। और आज फिर हमें भाई के साथ बहुत ही मजा आया, एक बार म्यूजिक फेस्ट में भी हम मिले थे, म्यूजिक फेस्ट में। और आज गोरख पे भाई ने बहुत इंजॉय कराया, थैंक यू सो मच भाई। तो रात हमारी गुजर गई, अभी जो है फ्रेश फ्रेश होके फिर हम जाएंगे जीरो पॉइंट पे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि रात को आफ्टर फंक्शन तो मतलब कॉन्सर्ट तो भाई सब कुछ बढ़ गया था, बहुत ही थक गए थे, सो गए थे। सो फ्रेश होके नाश्ता करके हम डायरेक्ट चलेंगे जीरो पॉइंट पे। भाई आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ इत्तेहाद बैंड जो है ना, हम रात को बहुत ही थक गए थे, सो गए थे। सो अभी उठे हैं, हमारा सेकेंड डे गोरख पे, अभी फिर हम जाएंगे जीरो पॉइंट पे, तो वहाँ के जो सीन्स होते हैं वो आपको दिखाएंगे और वहाँ का व्यू भी आपको चेक करवाएंगे। आगे के सीन्स साकिब भाई आपको बताएगा आगे। साकिब भाई उसके बाद जीरो पॉइंट के बाद क्या करना है? जीरो पॉइंट के बाद सीधा घर, वही बांधी जाना है, वही बांधी जाना है उधर से। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। जॉय मोड़ से फिर डायरेक्ट अपनी बस में बैठेंगे गोल्डन वाली, सब करके मैं कराची हैदराबाद। गुड नाइट बॉय। भाई तो अभी ब्रेकफास्ट करने आए, सही है, इसके बाद जो है सीन्स होंगे जीरो पॉइंट में जाने के, ब्रेकफास्ट वगैरह करके। अभी सारे आ रहे हैं पार्टिसिपेट, सारे जो भी हमारे साथ थे टूर में वो सारे आ रहे हैं। ये मुजम्मिल भाई तो आ गया, ये भी आ गया, अब वेट हो रहा है यहाँ पे नाश्ते का। हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट की तरफ, ये हमारे साथ जो है आतिफ भाई है जिन्होंने ये टूर जो है ऑर्गेनाइज करवाया है, बहुत ही हमें मजा आया, बहुत ही हमने गोरखपुर घूमे, थैंक यू शेजी भाई के साथ आए, ये बड़े जबरदस्त व्लॉगर हैं। थैंक यू हमें बहुत ही मजा आया यार। यार मैं तो बहुत ही थक गया हूँ, चढ़ चढ़ के थक गए, अब तो चला भी नहीं जा रहा, पर जाना तो है, जीरो पॉइंट दिखानी तो है और हमें खुद भी देखनी है। गोरख का यहाँ से आप जो है ना सीन चेक करें भाई, कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली पहुंच गए हम जीरो पॉइंट पे, ये भाई वाले आते भाई वाले है ना, बहुत एफर्ट की भाई। अब हम पानी की तलाश करेंगे। फाइनली वी आर एट जीरो पॉइंट। सो आपको यहाँ के सीन चेक करवाता हूँ मैं कि यहाँ के क्या सीन्स हैं और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। हाइट चेक करो, हम अभी जीरो पॉइंट पे, गोरख हिल स्टेशन जीरो पॉइंट पे। सो हाइट चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ पे यार बहुत ही ठंड है। आप मतलब फॉग चेक करो ना आप, कितना प्यारा और नेचुरल नज़ारा है यहाँ पे। भाई ये कहाँ पे आए साकिब भाई? हम ऊंची चट्टानों में, यहाँ कोई नहीं है। वो सांप किंग कोबरा। तो हम इसे बनाएंगे अभी अपना भोजन, इसको भोजन बनाएंगे तो खाने को कुछ नहीं है, देख रहे पूरी पहाड़ी पहाड़ी है, माशाल्लाह क्या सीनरी है भाई। तो जीरो पॉइंट घूमने के बाद अब हम फिर से वापस नीचे जा रहे हैं, नीचे फिर हम जाएंगे वापस हैदराबाद के सफर के लिए, सफर शुरू करेंगे। नीचे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बस रेडी हैं, हम जाएंगे यहाँ से फिर सीधा हैदराबाद। तो आपको मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया, एंजॉय किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से पैदल जा रहा हूँ। नीचे तो आ गए हैं, गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, आशिर भाई भी मेरे साथ हैं, पर यहाँ पे जो है इत्तेहाद वाले वो फिर से ऐसे ही जैमिंग कर रहे हैं, तो आपको जैमिंग के सीन्स दिखाता हूँ मैं अभी। फाइनली हमारी गाड़ियां आ गई हैं, अब हम जाएंगे सीधा हैदराबाद की तरफ। भाई तो गाड़ी आ गई हमारी, अभी हम जा रहे हैं वाई बांधी, वाई बांधी जाके फिर अपनी बस पे बैठेंगे, फिर कहीं ब्रेक नहीं मारेंगे, डायरेक्ट हैदराबाद मारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई वाई बांधी पहुंच गए, अभी बस में बैठा हुआ हूँ, इसके बाद हम सफर शुरू करेंगे टूवर्ड्स हैदराबाद। सदा भाई जा रहे हैं हमारे यहाँ से वापस जा रहे हैं, दादू सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक ही नहीं जी।
भाई वापसी तो जा रहे हैं, बहुत ही थक गए हैं। ये हमारे पीछे मुजम्मिल भाई, राइजिंग स्टार ऑफ टिकटॉक। ये डॉन है हमारा, पावर बैंक दोनों यार। तुम्हें इसीलिए मैं नहीं देता ना यार, मोबाइल दो मुझे यार। अबू की कॉल आ रही होगी यार, देखो। तू रो क्यों रहा है भाई? जेबी मोबाइल है। सारी अकेले अकेले छा था गाओ साईं। ये असा है मिस्टर अवेश और दोस्त जगड़ो दादू में सारी हिस्ट्री ना बुदायो ना। हां नारगी होता भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैदराबाद पहुंच गए, घर पे पहुंच गए अभी। यार गला बिल्कुल ही बैठ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही चीखे हैं। जाहिर सी बात एंजॉय किया है, बहुत ही हमने इस ब्लॉग को एंजॉय किया है, इस ट्रिप को बहुत ही हमने ज़्यादा एंजॉय किया है। सो आपने भी एंजॉय किया होगा। होप यू लाइक दिस ब्लॉग और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, सपोर्ट कर लें, आपके भाई हैं हम भी यार, सपोर्ट कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।